आप सभी साथियों का स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुजन विचारधारा को बढ़ाने में आंदोलन की भूमिका रही है, साहित्य की एक अलग भूमिका रही है और ये जो मिशन है, मूवमेंट है, वो कई चरणों में आगे बढ़ा है। बीसीएनसी न्यूज की जो ये पहल है जिसमें हम विचारक, दार्शनिक या जो सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं उनका परिचय आपसे जरूर कराते हैं। इसी कड़ी में बहुजन आंदोलन के पथ ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं जिसमें बहुजन समाज में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी विचारधारा, उन्होंने किस तरह से यहाँ संघर्ष किया, उन बातों से आपको रूबरू कराएंगे। आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं माननीय वैद्य रामनाथ जी धीमान, जो सदगुर कबीर सद्धर्म प्रचारक सभा के मंत्री रहे हैं और उनके साथ में महंत शिव प्रसाद साहब थे। इन लोगों ने पूरे अवध में कबीर जो पंथ को काफी आगे बढ़ाया है। साथ ही दूसरे साथी हमारे साथ हैं आरसी बौद्ध जी, जो विश्व बौद्ध महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और ये बामसेव के प्रचारक भी हैं और विचारक भी हैं। और जो बहुजन समाज का जो मूवमेंट चला था जिसमें उत्तर प्रदेश में एक बामसेव की बहुत बड़ी भूमिका थी, उसके सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। सर, बीसीएसई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सर, पूरे इस आंदोलन को हम देखते हैं कि बहुजन समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी महापुरुष जन्म लेते रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने अपने गुरुओं में कबीर साहब को दूसरा गुरु माना, तो इसमें ऐसा क्या कारण था कि कबीर साहब का जो आंदोलन था, जन आंदोलन बन सका, उनमें उनकी भाषा साहित्य शैली की क्या भूमिका थी, कैसे लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया? जहां तक हमने बाबा साहब के आपके कथनानुसार उन्होंने कबीर साहब को दूसरा गुरु माना है, लेकिन हमारा कबीर पंथ जो है वो बाबा साहब के दोनों पक्ष, ननिहाल और दधियाल, दोनों ओर से क्या कहते हैं कि वो पले पोसे बड़े हुए। कबीर पंथ जो है उनको बाबा साहब को पहला गुरु कबीर को ही मानता है। दूसरा, जो बाबा साहब का जो अंतिम समय में भी था, तो उन्होंने बाबा साहब की वो साखी हमें नहीं मिल पा रही, जो अंतिम समय में उन्होंने रहना नहीं देश बिराना है या कुछ इस तरह करके वो अंतिम परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो बाबा साहब जो तथागत बुद्ध के बाद जो आंदोलन आगे थोड़ा धीमा पड़ गया था, उसको सदगुरु कबीर साहब ने बढ़ाने का प्रयास किया। साथ ही उस जो आंदोलन का था, उन्होंने अपने शब्दों में जहाँ गए जैसी वाणी वहाँ की भाषा थी, उसको अपने शब्दी में साखी के रूप में जो क्या कहते हैं उन्होंने प्रयोग करके समझाने का प्रयास किया। कबीर साहब का मत था कि अगर हमको कोई बात कहें तो लोग हवा में ना उड़ा दें, इसलिए वो साक्षी के रूप में साखी को प्रयोग करते रहे। जैसे अत्पदीपो भगवान बुद्ध का था, उसको उन्होंने जो अपने शब्दों में साखी के माध्यम से साक्ष्य दिया जी। कि जिस को तू खोजना चाहता है वो तेरे अंदर है। वो किस प्रकार से अंदर है? क्योंकि मनुष्य जो है, खास तौर से ऐसे जो चार वर्गों में बांटा गया, चौथा वर्ग जो शूद्र वर्ग था, उसको मंदिर मस्जिद में जाने की मनाही थी। तो कबीर साहब ने मत भटकने के लिए उन्होंने एक साखी का प्रयोग किया। वो साखी इस प्रकार है, मंदिर में तो बुत धरे हैं तो मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह में झांक कर देखो, झलकता नूर खुदाई है। इस प्रकार
उन्होंने साबित किया कि मंदिर के अंदर तो केवल मूर्तियां हैं और मस्जिद के अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर अपने दिल के अंदर झांक कर देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो जिस मालिक को आप खोजना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, वो नूर, वो रोशनी आपको मिलेगी। मतलब जो तथागत की जो आत्मदीपो भव अपना प्रकाश आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा। इसके समर्थन में दूसरी साखी का भी उन्होंने प्रयोग, अच्छा लगातार साखियों का उन्होंने प्रयोग किया जी। दूसरी साखी ये है, जो तिल में तेल है चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में झाड़ सके तो झाड़। साहब कहते हैं कि तिल में जैसे तेल है और चकमक एक पत्थर होता है जो रगड़ने से उसमें आग पैदा हो जाती है। तेल निकालने के लिए भी उसकी जो प्रक्रिया है वो करने के बाद ही तेल मिलेगा। आग निकालने के लिए भी चकमक पत्थर को जो प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। अगर उस प्रक्रिया को आप स्वयं पूरा करना चाहते हैं और उसे इसको मान करके, तो तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, अगर अपने आप को जानना चाहता है तो इस साखी के माध्यम से अपने आप को समझ सकते हैं, अत्यधिक को वो बन सकते हैं। तीसरी साखी का भी उन्होंने प्रयोग किया इसके समर्थन में, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, ना कुछ खास खुदा का है, दिल मत तोड़ो किसी का, ये घर खास खुदा का है। क्योंकि जो आपस में लोग लड़चड़ झगड़ते थे उसको कबीर साहब ने बीच में खड़े होकर के समझाने का प्रयास करते थे कि भाई मंदिर मस्जिद के झगड़े में क्यों पड़े हुए हो, किसी को जो है अगर आप हिंसक बन जाते हैं उसको ख़त्म कर दें दोबारा वो नहीं बन सकता, मंदिर मस्जिद तो बनते बिगड़ते रहेंगे, इसलिए मंदिर जरूरत पड़े टूट सकता है, मस्जिद टूट सकती है, मगर किसी को दिल मत तोड़ो। जैसा ने बताया था कि जो कबीर साहब की जो वाणी है वो बुद्ध की ही वाणी है लगभग, है ना। बाबा साहब ने भी कहा था कि मेरे तीन गुरु हैं, तो वो संदर्भ क्या है, वो किस प्रपेक्ष में बाबा साहब ने कहा और क्यों? सबसे पहले मैं BCNC न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस पर चर्चा में मुझे शामिल होने का मौका दिया। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कि जो अब तक उनका साहित्य आ चुका है वो 40 खंडों में आया है, जिसमें बाबा साहब के कई खंडों में इसका जिक्र है, लेकिन जो 38, 47 और 40 खंड हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि मेरे तीन गुरु थे। ये सही है कि बाबा साहब एक कबीरपंथी परिवार में पैदा हुए, पले बड़े पोसे, उनका पूरा परिवार कबीरपंथी था, लेकिन जब उन्होंने अपना 4th स्टैंडर्ड पास किया था तो उस बस्ती में जहाँ पे बाबा साहब का परिवार रहता था तो बड़ी खुशी हुई और वहाँ के लोगों ने उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखना चाहा, लेकिन उनके पिताजी ने मना कर दिया। तो फिर उनके पिताजी जो रामजी राव थे उनके एक बहुत खास दोस्त थे दादा केलुस्कर, तो दादा केलुस्कर से लोगों ने बात किया, उन्होंने उनके पिताजी को मनाया और एक रखा गया, और वहीं पर उस कार्यक्रम में ही दादा केलुस्कर जो कि ब्राह्मण थे उन्होंने स्वरचित एक पुस्तक बुद्ध चरित मराठी में थी, छोटी पुस्तक थी, बाबा साहब को दिया और वहीं से बाबा साहब के जीवन में बुद्ध का प्रभाव। तो भगवान बुद्ध को चूँकि उन्होंने घोषणा किया था 13 अक्टूबर 1935 में कि मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, और फिर उसको उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 21 वर्ष के बाद लगभग पूरा किया। तो इस तरह से उन्होंने, और मैं बौद्ध क्यों बना या मुक्ति कौन पथ, ऐसी तमाम बाबा साहब के लेख हैं जो पुस्तकों में उपलब्ध हैं, उससे पता चलता है कि बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को अपना गुरु माना, लेकिन बुद्ध के आंदोलन को, ये बाबा साहब का Volume 7 है, इसमें एक चैप्टर है, हमारे सभी साथियों को दर्शकों को पढ़ना चाहिए, जो पेज नंबर 134 से है, ब्राह्मणवाद की विजय, एक चैप्टर है, और राज हत्या अथवा प्रति क्रांति का जन्म, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, एक बाबा साहब का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसी पर ये सारा वॉल्यूम निहित है।
तो इसमें एक घटना इस देश में हुई जिसको बाबा साहब ने इस लेख में लिखा है कि भारत के इतिहास को सही ढंग से नहीं लिखा गया, यहाँ का इतिहास राजा महाराजाओं का इतिहास है, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना जो इस देश में घटित हुई जिसको इतिहासकारों ने नजरअंदाज किया है, तो उस घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ और मैं भारत के इतिहास को पुनः लिख रहा हूँ। तो बाबा साहब यहाँ एक इतिहासकार की हैसियत में हैं और उसमें पुष्य मित्र सुंग की जो घटना है, जो मौर्य वंश के 10वें शासक हुए उनकी हत्या का जिक्र है, और उस घटना में केवल हत्या करना पुष्मित सिंह का काम नहीं था। पुष्मित सिंह ने केवल राज सत्ता के लिए नहीं किया, बल्कि उसने उस घटना को जो हमारे साथी पढ़ेंगे, ये तो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है इसलिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कि उसने उस समय के बौद्ध विहारों को तोड़वाया, बौद्ध साहित्य को नष्ट करवाया और एक एक भिक्षु का एक एक भिक्षु का सिर काटने पर 100 सरफी वो इनाम देता था। तो ऐसी एक बड़ी दर्दनाक घटना, सोचिए क्या मंजर रहा होगा। तो उस घटना के बाद जब बौद्ध धर्म का इस देश में पतन हुआ, हमारे बौद्ध भिक्खु अपना कहीं किस तरह से बचे होंगे, कैसे उन्होंने जान बचाई, तो वही आंदोलन बाद में हमारे संतों महापुरुषों ने पूरे भारत में चलाया, लेकिन उत्तर भारत में जो आंदोलन पूरे राष्ट्र में फैला वो सदगुरु कबीर साहब और संत स्वामी रविदास के माध्यम से फैला, और उसमें जितना भगवान बुद्ध के दर्शन का, भगवान बुद्ध के धम्म का, चाहे वो पंचशील हो, आदर्शांगिक मार्ग हो, तो ये सारी चीज़ों को उस समय की आम बोलचाल की भाषा में समाज के सामने सदगुरु कबीर साहब ने रखा, और समाज ने, चूंकि वही बुद्धिस्ट समाज को उस उन परिस्थितियों में वही चीज़ें उनको मिली, और इसलिए उन्होंने कबीर साहब का अनुगमन किया, अनुसरण किया और पूरे भारत में ये कबीर का आंदोलन फैला। सर, जैसे बुद्धिज्म में सील का बहुत बड़ा महत्व है, सील के आचरण है, उसमें पंचशील की अवधारणा है, और जो भिक्खु हैं उनके लिए 10 सील हैं, तो कबीर पंथ में सील की क्या अवधारणा है? कबीर पंथ में जो हमने अनुभव किया, लगभग सभी सील जो है वो कबीर पंथ में सम्मिलित है। भाषा शैली जी, उसका व्यवहार वो बदले स्वरूप में भले दिखाई पड़े, एक साखे भी है, समता सील स्वभाव इतने लक्षण साथ में था ऊपर पति हो, उन्होंने समता का भी कहा, सील का भी कहा, और भी एक शब्द है इसके अंदर जो कि अगर इतने लक्षण हैं तभी उसके ऊपर आप विश्वास करें अन्यथा न करें। ये कबीर साहब का जो है सील के ऊपर बहुत ही जोर। भाषा को लेकर के जैसे छत्तीसगढ़ में गए या उड़ीसा में गए, ऐसा कुछ भाषा को लेकर के? हाँ, भाषा करके मनुष्य को चेताने के लिए जैसे छत्तीसगढ़ और उधर मध्य प्रदेश के कुछ इलाका जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया, मानुष होके ना मरा, मरा तो डांगा ढोर, इस तरह के उन्होंने क्या कहते भाषा शैली का प्रयोग किया, क्योंकि जहाँ भी गए हैं चाहे बंगाल गए हों वहाँ का भी है, अगर पूरा साहित्य हो तो पास में उसकी साखी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो उनकी जो भी हम देखते हैं कि जहाँ भी गए उस भाषा में उन्होंने समझाने का प्रयास किया। इसीलिए कहते हैं कि जो हिंदी साहित्य के जो कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने कबीर साहब को वाणी का डिक्टेटर कहा, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उनकी जो भाषा है सदुपड़ी है, और श्याम सुंदर कहते हैं पंचमेल खिचड़ी है, तो सीधा सीधा इसका अर्थ है कि उन्होंने जनमानस की भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया, उनके साहित्य में ये मिलता है, और इसीलिए जो कबीर साहब का जो आंदोलन है वो एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में दिखाई पड़ता है। राजस्थान, उड़ीसा या कर्नाटक ले लीजिए, जम्मू कश्मीर से लेकर के यानी भारत के चारों कोनों पर उठा के देख लीजिएगा तो कबीर साहब की साखी शब्द रमणी कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि में आज भी मिल जाती है। सर, इसी क्रम में आगे प्रश्न ये है कि बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है उनके जीवित रहते हुए तो बहुत सक्रिय रूप से चलता है, कबीर साहब के बाद उनका आंदोलन किस रूप में इस देश में रहा और क्या वो आज भी मौजूद है? जी बिल्कुल, कबीर साहब के अगर आंदोलन को विद्वत समझना है
तो उसको हम तीन तरह से बांट सकते हैं। एक कबीर के पहले की सामाजिक धार्मिक राजनीतिक क्या परिस्थितियाँ थी, कबीर के समय क्या थी और कबीर के बाद वो आंदोलन कैसे गतिशील हुआ, कैसे आगे बढ़ा। तो आपका जो प्रश्न है कि कबीर के बाद वो आंदोलन कैसे बढ़ा, तो इस विषय में देखे कबीर साहब के आंदोलन के बाद अगर हम थोड़ा देखते हैं तो लगभग 71 वर्षों के बाद सिख पंथ की स्थापना होती है। गुरु नानक साहब का आंदोलन चला और गुरु नानक साहब ने उसी कबीर साहब के आंदोलन से, जैसे कबीर साहब ने अपने सारे उसमें भाईचारे का संदेश दिया, कहा है कबीर सुनो भाई साधु, दूसरा उन्होंने सत्यनाम सदगुरु, तो ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो आप अगर गुरुग्रंथ साहब को पढ़ेंगे तो उसमें सत्यनाम सदगुरु गुरुग्रंथ साहब में सब मिलता है। और लगभग कबीर साहब जहाँ उन्होंने कई पांच महापुरुषों का से ज्यादा का उनकी बाणियों का गुरुग्रंथ साहब में है, तो उसमें कबीर साहब को प्रमुखता से उसमें स्थान दिया गया। तो ये एक आंदोलन सिख पंथ के माध्यम से चला। आप जब छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तो 18 दिसंबर 1756 को वहाँ गुरु घासीदास का एक प्रादुर्भाव होता है और उन्होंने सतनामी पंथ चलाया आज भी छत्तीसगढ़ में। तो आप उधर इसको देख लेते हैं और सतनामी पंथ की स्थापना भी आज भी है और बहुत बड़ा उनका वहाँ पे आंदोलन है, बड़ी मात्रा में सतनामी वहाँ है। हाँ, सतनामी है। आप महाराष्ट्र में जब देखें तो 20 फरवरी 1827 को जो ज्योतिबाराव फुले साहब का जन्म होता है और उन्होंने जो आंदोलन चलाया इस देश के, उन्होंने अपनी पत्नी के और के माध्यम से अपने सपरिवार उन्होंने आंदोलन चलाया। शिक्षा का जो उनका मायन आंदोलन है, लेकिन उन्होंने लास्ट में एक संगठन की जो स्थापना करते हैं तो वो सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। उसमें सत्य, हाँ, सत्य का शब्द वहीं से कबीर साहब के आंदोलन से उन्होंने दिया। और उसमें जो कबीर साहब ने उस समय की सामाजिक कुरीतियों पर, अंधविश्वास पर और आडंबर पर, तो उस पर जो उन्होंने कुठाराघात किया तो उसका उन्होंने एक रूप दिया जो गुलाम गेरी के नाम पर एक ग्रंथ है उनका, जो इस देश में हम कह सकते हैं कि महात्मा फुले ने इस देश में, इस देश के मूल निवासियों का, इस देश के गुलामों का पहला दस्तावेज उन्होंने डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड। फिर उसी आंदोलन को साहू जी महाराज ने कोल्हापुर में बढ़ाया और सत्य शोधक समाज की उन्होंने 1911 में उसका पुनर्गठन किया, उसके माध्यम से उस आंदोलन को बढ़ाया। फिर यही साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने सहायता दिया और महाराज सयाजी गायकवाड़ महाराज जो बड़ौदा में थे, उन्होंने छात्रवृत्ति देकर बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश में शिक्षा के लिए भेजा और उनको दुनिया के परम 6 विद्वानों में एक बनाया और इस लायक बनाया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश का संविधान लिखा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दूसरा काम किया कि वो सारी इस देश के गुलाम मूल निवासियों की गुलामी की दुर्दशा का, उनके शोषण अन्याय अत्याचार का जो मूल ग्रंथ था उसको 1927 में मनुस्मृति की होली जलाया। इन आंदोलनों के बाद अगर हम आगे और देखते हैं तो इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो लोग कहते हैं, तो गांधी जी का जो आंदोलन चला, तो ये गांधी जी, मैंने आप ही से आज सुना था कि गांधी जी जब बनारस जाते हैं तो बनारस में ये कबीर चौरा जाते हैं, लहर तारा घूमने जाते हैं, और उसके बाद क्योंकि कबीर साहब कपड़ा काटने का काम करते थे, कबीर साहब एक जगह लिखते हैं अपने बारे में लिखते हैं कि जात जुलाहा नाम कबीरा, अपने को सर्टिफाई करते हैं कि मैं एक जुलाहा हूँ, मैं एक बुनकर हूँ, मैं कपड़ा बुनता हूँ। और कबीर का जो शब्द है इसका जो अरेबिक भाषा में इसका मीनिंग है वो है महान, ये हमारे विद्वानों ने लिखा है जी। तो उसी को उन्होंने चरखा को अपना एक प्रतीक बनाया और सत्याग्रह, वही सत्य शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया,
सत्याग्रह आंदोलन चलाया। वो आंदोलन चला और अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ चला, अंग्रेज हमारे देश से गए। और उसके बाद अगर थोड़ा सा आप आगे देखें तो मानवर कांसीराम साहब ने जब अपना आंदोलन चलाया तो साहब शब्द का इजाद हुआ बड़े पैमाने पर। हर हमारा छोटा बड़ा कार्यकर्ता वो एक दूसरे को साहब कहता था। ये साहब शब्द ये कबीर साहब का दिया हुआ है, क्योंकि कबीर के आंदोलन में ही साहब को कबीर साहब लिखते हैं कि साहब से सब होता है, बंदे से कुछ ना है, राय से पर्वत करें पर्वत राय में। यानी वो कांसीराम साहब ने साहब शब्द को इतना हाईलाइट किया और हमारे समाज का गौरव बढ़ा। जब हम एक छोटे स्वाभिमान तीनों चीजें उसमें बढ़ी, और जब उसको हम छोटा कार्यकर्ता को साहब कहा जाता था, कोई बड़ा कार्यकर्ता साहब ये, तो उसके अंदर एक स्वाभिमान पैदा हुआ और वो आंदोलन एक जन आंदोलन बना। और जो मुश्किल था, जो मुश्किल काम था, क्योंकि हमारा समाज तो ये रटता रहता था कि को इंद्रप हमें कहानी चेरी छोड़ न हो बैरानी, हम कभी राजा नहीं बन सकते हैं, हमेशा गुलाम रहेंगे। मानवर कांसीराम साहब उत्तर प्रदेश में हुरान की लाइन पर समाज को स्थापित किया, तो ये उनके बाद के आंदोलन की खूबी है। और आज समाज को फिर कांसीराम साहब जैसा या कबीर साहब के आंदोलन जैसा कोई नेतृत्व की तलाश है। वैसे भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमेशा जो बहुजन महापुरुष हैं वो केवल अपने वार्तालाप में उपदेश ही देते हैं, वो आपको सामाजिक दिशा प्रदान करते हैं, राजनीतिक दिशा प्रदान करते हैं, आर्थिक दिशा प्रदान करते हैं। अगर तथागत गौतम बुद्ध से ले लें तो उन्होंने वेलफेयर स्टेट की अवधारणा दी, जिसे सम्राट अशोक ने बाकायदा प्रस्तावित किया है, स्थापित किया और उसका अनुसरण पूरे विश्व ने किया है। उसकी परिप्रेक्ष्य में देखें तो संत कबीर साहब ने अमर देशवा जैसे एक स्टेट की अवधारणा दी। तो ये बहुजन महापुरुष हमेशा समाज को एक ना एक अपना अपनी खोज देते रहे हैं, जैसे बेगमपुरा स्टेट है वो संत रविदास देते हैं। तो ये बहुत हमें समझने की जरूरत है, जैसे बिरसा मुंडा ने आवा देश अपन देश है, तो अपने एक देश की वो कल्पना करते हैं। तो इस बात को दर्शकों को भी समझना चाहिए कि बहुजन महापुरुष जो हैं उनकी एक अलग दिशा है, वो दिशा जो भारत को विश्वगुरु बनाती है। सर, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज में चार रंग है ना, और ऐसा कहा जाता है कि उसमें जो तीन रंग है केसरिया सफेद और आपका हरा, उसकी अवधारणा भी कबीर पंथ में है ना। कुछ कबीर पंथी साथ मिले थे वो, लेकिन नहीं, एक घटना घटी थी जिससे वो तीन रंगों का एक संदेश निकलता है, वो सब क्या घटना है कबीर पंथ में, अब वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई हुई उसमें राजा वीर बघेल सिंह और बिजली खां पठान आपस में, दोनों के सैनिक जब आपस में लड़ रहे थे तो कबीर साहब का सफ़ेद झंडा था। कबीर साहब वस्त्र से जुड़े हुए भी थे, कबीर साहब उस सफ़ेद वस्त्र को लेकर के झंडे के रूप में बीच में खड़े हुए और दोनों को उन्होंने समझाया कि तुम किस विषय पर लड़ते हो। उसमें जो एक वो आया है, क्या कहते हैं, एक भजन है, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, तुम किस लिए लड़ रहे हो, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, एक हड़िया के पाड़े बेगर बेगर नाम धराए। इस तरह कबीर साहब ने उस साखी और भजन का प्रयोग किया, समझाया, वो लड़ाई समाप्त हुई। तो जो प्रक्रिया बनी राष्ट्रीय झंडे की, उसको कांग्रेसियों ने तो बाखूबी निभाया, तीन रंग प्रयोग किया, बीच में कबीर साहब का चरखा भी लिया था, शुरुआती झंडा अगर आपने देखा होगा तो उस झंडे को बाबा साहब वो महात्मा गांधी लेके और चरखे को भी साथ में लेकर के पूरे आंदोलन को जो है खड़ा किया। ये कबीर साहब का जो उस समय की लड़ाई की जो शांति प्रदान किया था वीर बघेल सिंह और बिजली खां पठान, ये कबीर साहब की ही देन है। तीन रंग वीर बघेल सिंह, हाँ हाँ। और बाद में जो इसमें चौथे रंग की भी बात आती है, चक्र बना हुआ है, तो राष्ट्रीय झंडे की जब पूरी प्रक्रिया हुई तो उसमें वो चौथा रंग शामिल हुआ। अच्छा सर, जो चौथा रंग इसे कहते हैं वो धम्म चक्र माना जाता है, और बाबा साहब उस झंडा समिति में भी एक सदस्य के रूप में रहे हैं, तो उसमें आप कबीर साहब के साथ साथ बौद्ध दर्शन कैसे देखते हैं,
क्या पूछता है उसमें? आप उसमें जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जैसा कि आपने बताया, तो उसमें जो बीच में जो सफेद पट्टी है तो उसमें अशोक चक्र है, अशोक चक्र है, और इसमें 24 तीलियां हैं जी। इसमें पूरी तरह से हमारा बौद्ध धर्म है, इसमें अष्टांगिक मार्ग है, इसमें हमारे चार आर्य सत्य हैं, हमारे इसमें 10 पारमिताएं हैं। तो इस तरह से अगर आप उसमें देखें तो पूरा हमारा बौद्ध दर्शन है, और चूंकि बाबा साहब उस झंडा समिति में थे इसलिए उसमें अशोक चक्र का स्थान दिलाने में वो सफल रहे। सर देखिए, इस देश में सांप्रदायिक दंगे होते रहे, पहले भी होते रहे, और बुद्धिज्म पर हमेशा प्रतिघात घात दोनों ही होते रहे हैं। आज सामाजिक आंदोलन में महापुरुषों के विचारों की क्या उपयोगिता है, क्या दिशा होनी चाहिए 21वीं सदी में? देखिए, ये बड़ा आपका सारगर्भित प्रश्न है। जो आज के अगर भारत के वर्तमान स्थिति को आप देखें तो आज जिस चले से धार्मिक भावनाओं को कह लीजिए भड़का करके, या धर्म के आधार पर जिस तरह से आज एक दूसरे के खिलाफ उकसाया जाता है, वो भले उसके पीछे राजनैतिक उनका मकसद हो, लेकिन उससे बहुत बड़ा सामाजिक विघटन या समाज में एक अन्याय अत्याचार या शोषण का भी मुद्दा बनता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, कबीर साहब के उस काल और परिस्थितियों को देखा जाए तो इस देश में हिंदू और मुसलमान आमने सामने थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और उस समय कबीर साहब का जो आंदोलन चला तो उसमें उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया, और हर अपने शब्द में उन्होंने कहा है शब्द में कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, यानी आप सबको भाई कहा और कहा साधो, इसको आप इस मार्ग पे चलने की कोशिश करो। तो ये जो भाईचारे का संदेश दिया तो उससे उस समाज में उस समय अमन चैन आया, और हिंदू उन्होंने बड़ी ही बेदर्दी लेकिन बेहद हमदर्दी के साथ उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को काटने का, और खुले चौराहों पर, चक्की चौराहों पर उन्होंने संदेश दिया। और वो कहते हैं, कहा कि अरे ये दोनों राह न पाई, मतलब दोनों को कहते हैं कि राह से गुमराह हो गए, ये भटक गए। इसलिए कबीर साहब ने जो उस समय संदेश दिया, और आज जिस तरह से हिंदू और मुसलमान का इस देश में एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, और कुछ हमारे संगठन हैं या वो कहते हैं इस देश को मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, लेकिन भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा वो धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का समान यहाँ पर सम्मान है, समान अधिकार है। तो आज इस संविधान पर भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कुठाराघात है, क्योंकि हिंदू अगर इस देश में राष्ट्र बनेगा, हिंदू संविधान चाहिए, और हिंदू संविधान जब इस देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू संविधान चाहिए, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है ये समाप्त होगा। इसलिए बहुत ही विषम और विकट परिस्थितियों में हमारा देश खड़ा है। आज फिर भगवान बुद्ध और कबीर साहब के आंदोलन या वैसे महापुरुषों की इस देश को जरूरत है, जिससे समाज बच सके और समाज सही दिशा पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो भारत में जो स्थितियां मौजूद हैं उसके निर्माण में, जब भारत विश्वगुरु था उसमें सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान था, उनके पथ पर यह देश आगे चला और जगत गुरु और विश्वगुरु कहलाया। सम्राट अशोक अपने अभिलेखों में लिखते हैं कि सभी धर्मों के सार में वृद्धि हो, और वो ये नहीं कहते कि कोई एक धर्म के लिए पक्षपात करें, उन्होंने सारे धर्मों के लिए लिखा, सद्भाव लिखा। ये वहां से एविडेंस के रूप में हमारे संविधान में आता है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण करते हैं। और जैसे सर ने बताया कि कबीर पंथ में जो अवधान आए हैं तीन रंग वाली, की जो केसरिया और जो हरा रंग है उसके बीच में श्वेत है, जिस राष्ट्र में शांति होती है, धार्मिक उन्माद कम होते हैं, वो राष्ट्र तरक्की करता है। कांग्रेस की भी ये विचारधारा रही, और जो क्योंकि वो एक चतुर वकील भी थे महात्मा गांधी, और उन्होंने इस अवधारणा को स्वीकार किया
और तीन रंग के साथ चरखा लिया और ये सीधा सीधा जो प्रभाव था उनके ऊपर कबीर पंथ का प्रभाव था। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है प्राचीन काल से लेकर आज तक वो राष्ट्रीय शुरू में रहा है।